सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मक्तूम BLLB। तो आज हम लोग बात करेंगे वुमेन्स राइट्स के ऊपर में, कि वुमेन को किस किस तरह का राइट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है और एक वुमेन के लिए उनका जो लीगल राइट्स है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बनाया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला लीगल राइट्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है आपका लीगल राइट्स फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। तो हर एक वुमेन जो किसी वर्क प्लेस में काम करती है, कहीं पे एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे एक लेडीज़ टॉयलेट होना मैंडेटरी है। इसके अलावा जब वुमेन एम्प्लॉय की संख्या 30 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एक चाइल्ड केयर या फिर चाइल्ड फीडिंग रूम बोल सकते हैं उसको, चाइल्ड केयर या चाइल्ड फीडिंग रूम की भी अवेलेबिलिटी होना मैंडेटरी है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट 2013 के रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया है वुमेन के लेकर के स्पेसिफिकली और उनके राइट्स के ऊपर में लेकर के। तो इसी तरह किसी भी वर्क प्लेस में एक वुमेन के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट या फिर अदर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है तो उसके लिए आप ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं या FIR रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। तो दूसरी जो पॉइंट है बताना जो वो है राइट टू इक्वल पे। तो कोई भी कंपनी है वो रिक्रूटमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसको मेल और फीमेल हो दोनों को ही सेम प्रोसीडिंग के हिसाब से जॉब को देना होता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाया है जिसके ज़रिए एक फीमेल हो या मेल हो दोनों को ही सेम तनख्वाह इक्वल तनख्वाह जो कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी। सो तीसरी जो राइट्स है वुमेन के लिए वो है राइट्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये राइट जो वुमेन को मिला है ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ज़रिए मिला है। सो इस एक्ट के ज़रिए डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ को नहीं कहते हैं बल्कि इकोनॉमिक अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ बाय द हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड एंड अदर पार्टीज़। तो अगर इस तरह का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 हम लोगों को प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ अगेंस्ट द अदर पार्टी। मतलब कि आप अगर इस तरह का आपका हरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर मेंटल अब्यूज़ या फिर इकोनॉमिक अब्यूज़ किसी तरह का हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए सेक्शन 12 जो है वो कोर्ट में फाइल किया जाता है, जिसके ज़रिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए और आपको कंपनसेशन दिलवाने के लिए अदर्स पार्टी से। IPC का सेक्शन 498A भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में बात करता है जिसमें बोलता है कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड्स। तो चौथी जो लीगल राइट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड डिसेंसी। तो हर एक वुमेन को डिग्निटी के साथ सोसाइटी में जीने का राइट दिया गया है, फ्री ऑफ फेयर जीने का राइट दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह का वायलेंस, किसी भी तरह का हरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं किया जाएगा। इसके लिए जितने भी तरह का लॉ बनाया जाता है वुमेन के लिए ख़ास करके, तो वो सब लॉ क्या है, वुमेन का रिस्पेक्ट करता है, वुमेन की डिग्निटी और डिसेंसी की ही बात करती है। इसके अलावा IPC के सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C एंड 354D भी वुमेन के लिए डिग्निटी और डिसेंसी के लिए ही बात किया जाता है, उसकी मोडेस्टी के लिए बात करता है। इसके अलावा वुमेन को जो ख़ास तरह का डिग्निटी और डिसेंसी लॉ में बताया गया है वो ये है कि कोई भी वुमेन अक्यूज्ड हो उसे सनसेट के बाद और सनराइज से पहले हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके मतलब क्या है, सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले, मतलब जब आसमान अंधेरा हो जाए उस मोमेंट में किसी भी वुमेन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा दिन के वक्त, दोपहर के वक्त जब पुलिस अरेस्ट करता है वुमेन को तो एक पुलिस जो वुमेन को अरेस्ट करेगी वो पुलिस ऑफिसर जो है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। इसके साथ साथ उस ऑफिसर को अरेस्टेड वुमेन की डिग्निटी और डिसेंसी का भी ख़ास ख्याल रखते हुए उसे अरेस्ट करना है। इन केस ऑफ रेप तो जो पुलिस ऑफिसर जो स्टेटमेंट लेने जाएगा विक्टिम का, वो पुलिस ऑफिसर को भी वुमेन पुलिस ऑफिसर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अदर्स पार्टी जो विक्टिम है तो वो खुल करके मेल पुलिस ऑफिसर को नहीं बता पाएगी ना सारा कुछ, तो इसलिए इसके लिए भी वुमेन पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया जाता है स्पेसिफिकली। सो फिफ्थ वन और लास्टली जो वुमेन का लीगल राइट्स है वो है राइट टू मेंटेनेंस। तो हर एक वाइफ हो या फिर किसी की बेटी हो तो उन लोगों का मेंटेनेंस का पूरा राइट्स बनता है। मेंटेनेंस इन द सेंस क्लोथ,
हाउस, फूड, एजुकेशन, ये सारा कुछ मेंटेनेंस के अंदर में आता है यार। एक वुमेन का राइट्स होता है आफ्टर मैरिड, अगर एक औरत जो है वो किसी से शादी करती है और वो मेल पर्सन जो है वो डाइवोर्स देता है, तो डाइवोर्स देने के बाद भी उस मेल पर्सन को वुमेन को क्या करना होगा, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा जब तक कि वो वुमेन किसी और जगह रीमैरी नहीं हो जाए, किसी दूसरी जगह शादी ना कर ले। तो जब तक किसी दूसरी जगह शादी वुमेन की ना हो जाए तब तक उसके हस्बैंड जो डाइवोर्स उसको दे चुके हैं उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो मेंटेनेंस जो है वो डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द वुमेन, के किस तरह का स्टैंडर्ड लाइफ वो जीती थी अपने हस्बैंड के साथ, और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द हस्बैंड, कि हस्बैंड का उस वक्त जब मेंटेनेंस का ऑर्डर जज दे रहा है तो उस वक्त जो इनकम है हस्बैंड का वो क्या है, उसके बेसिस में मेंटेनेंस का ऑर्डर जज पास करता है। तो इस मेंटेनेंस को पाने के लिए हम लोग सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो केस है वो फाइल करते हैं कोर्ट के सामने। तो ये सारा पॉइंट जो था वुमेन राइट्स के ऊपर में था, जो कि एक वुमेन के लिए जानना आज के दौर पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वक्त में डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट, ये काफ़ी देखने को मिलते हैं न्यूज़ में और अखबार में। सो होपफुली वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।